आप सभी का द नगरी न्यूज में स्वागत है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर को रिलीज से पहले काफी चर्चा मिल रही थी, लेकिन पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को वैसी शुरुआत नहीं मिल सकी जिसकी उम्मीद थी। रिपोर्ट्स बताती है कि करीब 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई द वैक्सीन वॉर ने पहले दिन सिर्फ 1 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी स्टारर इस फिल्म को भारत की पहली बायो साइंस फिल्म कहकर मार्केट किया जा रहा था, लेकिन पहले दिन तो इसका कोई खास फायदा नजर नहीं आया है। विवेक की फिल्में वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे ज्यादा कमाल करती हैं। द कश्मीर फाइल्स को पहले दिन 1000 से कम स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। इसके बावजूद फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 3,50,00,000 रुपए था, लेकिन द वैक्सीन वॉर के सामने कोई बहुत बड़ा धमाका होने के चांस नजर नहीं आ रहे। द वैक्सीन वॉर पहले दिन उस तरह की शुरुआत करती नजर नहीं आई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वही द कश्मीर फाइल्स जैसी दमदार फिल्म के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की अगली फिल्म द वैक्सीन वॉर की ओपनिंग सबको हिला सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।